हम अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाएंगे जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान श्रीमान ललित महाजन जी, और उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो हमारे सभी सवालों के साथ दिल और साफ कोई से जवाब देंगे। धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम आने के लिए। थैंक यू। चलिए जी, हमारे जम्मू की जो जेएनके की इंडस्ट्री है वो बहुत ही सफ़र कर रही है कई मामलों में, और हम बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें हमारी स्टेट की या हमारी की क्या रैंकिंग है इसमें बाकी स्टेट्स के मुकाबले में? इसके बारे में मैं कहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट है मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था जब से बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा जो उसका श्रेय है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में वो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर को गया। वो ही द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कंसेप्ट इन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस तो हो गया है, उसकी वजह क्या हो गया हमारी रैंकिंग जो है वो जो पहले 30 जो जिस रैंक पे थी उससे काफ़ी नीचे आई है। पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जो है अगर देखा जाए तो डायरेक्टरेट लेवल पे काफ़ी फ़र्क पड़ा, पर निचले लेवल पे अभी थोड़ा सा इसको सुधार। हमारे इधर ब्रीम में समझे जैसे पोल्यूशन हो गया, पावर हो गया, या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, ये इसकी रीट हेडी हैं, तो इनकी इनकी इनका क्या सहयोग है इसमें? ऐसे जी, पावर डिपार्टमेंट में अभी तो सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है वो पावर डिपार्टमेंट है। उसमें क्या है कि वहाँ पर तो लोगों के पावर सेंशन के जो केसेज हैं वो एक एक साल लग जाता है, ऐसा कंबरसम प्रोसीजर है। अब देखिए ना, उसमें एक फाइल अगर कोई अप्लाई करता है तो वो 16 टेबलों पे घूमती है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या होता है कि एक एक डिवीज़न में चार चार लोग होते हैं, जेई AEE एक्शन SC, सबसे क्लियर होगी फाइल, सबसे क्लियर होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, प्लांट मशीन लगा दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार है, वो एक साल तक अगर वेट करते रहेंगे तो उनका कितना नुकसान। बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, बिजली डिपार्टमेंट की इनका क्या टाइम फ्रेम है कि जैसे किसी ने अप्लाई किया है नए कनेक्शन के लिए उसके लिए कोई टाइम फ्रेम रखा है या फाइल भेजवा? कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा। ऐसा है कि जो कनेक्शन तो चीफ इंजीनियर लेवल तक होते हैं उसका तो ये जो है ये अपने लेवल पर क्लियर रहते हैं। जो चीफ इंजीनियर लेवल से जो ऊपर के कनेक्शन है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला हुआ कि हर महीने उसकी मीटिंग होती है, पर ये मीटिंग रेगुलर होती है, टाइमली नहीं हो रही। अच्छा, जब मीटिंग होती है, मीटिंग में जब केस अप्रूव हो जाते हैं क्योंकि तो टेक्निकल है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट सब हो जाए, उसके बाद क्या करते हैं ये वो उठा के इसको जो उस अप्रूवल को ना आगे सेक्रेटरेट में भेजें। सेक्रेटरेट में भेजने का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। सेक्रेटरेट को दे हैव टू इंटीमेट ओनली कि हमने भाई इसके लिए ये कमेटी में इतने केस हमने सेंक्शन कर दिए। तो सेक्रेटरेट में भेजने का मतलब है कि इसको टाइम के लिए डिले टैक्टिक्स है, क्योंकि जो सेक्रेटरेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है दे डोंट वांट कि भाई वो आपकी हमारी आइडेंटिटी लूज हो जाए, फॉर द रीज़न बेस्ट नोट होता है कि क्यों जाती है सेक्रेटरी में, उसमें मैं क्या कमेंट करूँ। मेरा अगर एक फाइल चीफ इंजीनियर ने क्लियर की, डेजिग्नेटेड कमेटी में सारे टेक्निकल स्टाफ सारे चीजें बैठे हैं, उनकी क्लियर के बाद आगे भेजने का मतलब मतलब ही नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है कि आप जी हमने जी इतना कैसे सेंक्शन। अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक जो मेरी सजेशन है कि इनके पास जो हर ग्रिड स्टेशन का डाटा होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि एक जैसे बड़े बनना है, इनके पास डाटा हो कि बड़े बनना में हमारे पास इस ग्रिड स्टेशन में 20 MW पावर हमारे पास सरप्लस है। चीफ इंजीनियर के पास वो डाटा हो तो जब चीफ इंजीनियर को कंसर्न को अप्लाई किया जाए तो उसको सिस्टम ऑपरेशन में या वो जो ये होती है STT डिवीजन में भेजने की जरूरत ही नहीं, वो वहीं से वो खुद ही देख लेंगे, वो वहीं से डाटा उसको प्लस माइनस करें और सेंक्शन कर दूँ। तो ये डिले इससे क्या कि काफ़ी डिले जो है बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, और दूसरे जो केसेज सेंक्शन होते हैं डेजिग्नेटेड कमेटी में उनको सेक्रेटरी में भेजने की जरूरत नहीं। और जो ऑफिसर जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि हर महीने मीटिंग होती है, अगर मीटिंग क्यों नहीं होती है तो उस ऑफिसर शुड बी रिस्पॉन्सिबल, उनको पूछना चाहिए भी क्यों नहीं, आपको तो रीज़न बड़ी दिल। तो इसको आप एक मुद्दा बना के बड़े जोर शोर से उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कि अभी भी पावर डिपार्टमेंट में भी करप्शन लेवल स्टेट है। करप्शन जो आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो करप्शन है। आज मेरे को बताइए, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एक एम्प्लॉई है उसको जो गवर्नमेंट
जो इतनी अच्छी सेहत नहीं है, तो फिर भी उन लोगों की एक्सपेक्टेशन क्यों है? एक फाइल को चलाने के लिए अगर हम लोगों ने पैसे ही देने हैं तो फिर यहाँ इंडस्ट्री लगाने का ऐसे ऐसे ऑफिसर्स को या जो भी हैं एम्प्लॉज हैं ऑफिसर हैं गवर्नमेंट को या दूसरे इदारों को आगे आके उनको शंट आउट करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। गवर्नमेंट को तो ये आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए कि हु इज दी कंसर्न पर्सन जो इसमें सारी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी ये शिफ्ट करें। मैं आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, हमने अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर के नॉलेज में कुछ लोगों के लिए उनके नॉलेज में लाया गया था कि भाई ये लोग दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू करप्शन। तो उन्होंने इमीडिएट स्टेप लेके उनको उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिमूव कर, इसलिए हम उनकी हम तारीफ करते हैं। पर रीजन है कि जब तक हम लोग खुद आगे नहीं आएंगे करप्शन, और हमारे जो मैं तो अपने जो हमारे एम्प्लॉज हैं उनको भी ये करूँगा कि अगर उसमें से कोई दो चार लोग ऐसे हैं, सारे नहीं हैं, पर रीजन है कि हम लोग आगे आए अगर हमने इंडस्ट्री लगानी है। करप्शन इज द मेन जो है उसमें फर्क पड़ा है। इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा स्ट्रांगली आगे आना चाहिए, इंडस्ट्रीज को रिजिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल रिजिस्ट करेंगे, हमने पैसे नहीं देने किसी काम के लिए और काम होगा। अगर मेरी फाइल पूरी है, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे तो मैं पैसे क्यों दूं? बिल्कुल, फिर भी हरासमेंट होती है तो फिर बहुत से रास्ते हैं भाई। अगर हरासमेंट होती है तो हमारे नाली में लाए। बिल्कुल ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? हमारे नाली में लाया जाए, जी मेरी फाइल जब कम्प्लीट है इतने दिन इस फाइल को क्यों लगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने आज क्या किया है, उन्होंने जो पी ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और परमानेंट रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, उससे क्या हुआ कि यूनिट होल्डर ने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर देने जो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एज पर दी चेकलिस्ट, जब डिपार्टमेंट ने चेकलिस्ट बनाई है उसके अलावा वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। उनकी ड्यूटी बनती है डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके यूनिट को विजिट करें और टाइम बाउंड फ्रेम में उसके लिए उसको उनकी रजिस्ट्रेशन करें, और उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके लिए। हम अगर आप कहें तो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें इंडस्ट्री कमिश्नर का जो हमारे सिकंदर जी हैं ही इज़ वेरी पॉजिटिव, उनकी भी बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं इज चेंज। बट DIC और डायरेक्टर ऑफिस से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? DIC से अब मिल रहा है, अपर लेवल मिल रहा है, पर अभी भी नीचे थोड़ी सुधार की जरूरत है जो है। उसके लिए जो हेड ऑफ दी इंस्टीट्यूट है जैसे GM DIC है या जो भी जी वही उनको टाइप करेंगे, उनको टाइप करें तो इनका सारा सुधार वहाँ पे आराम से हो सकता। तो अब इसमें मैं कहूँगा इवन जब से मैंने 2015 मई में मैंने एज ए प्रेजिडेंट ज्वाइन किया था, उसके बाद सुरेंद्र जी हमारे आ गए, कमिश्नर सेक्टर इंडस्ट्रीज आ गए, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जो हमारे हैं वो आ गए, तारा जी आ गए, और इस टाइम जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ये टीम लगाई हुई है, ये अच्छा काम, डेडिकेटेड टीम है, लोगों के काम भी हो रहे हैं, और जिसकी प्रॉब्लम आती है वो हमारे को जो अप्रोच करते हैं हम इनकेस तो इमीडिएटली इनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो पावर डिपार्टमेंट से दिखते हो रही हैं, तो हम हमारे डिप्टी CM बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी इसकी बात कर सकते हैं। हमने अभी हमारे पीछे यहाँ पे हमने फंक्शन वगैरह किया था, उसमें हमने डिप्टी CM साहब का और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को फैसिलिटेट किया है, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे पावर हो गई है, और उसमें इनकी जो है पावर की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रिड्यूस की है हमारी। तो कितनी रिड्यूस की है? वो 22% से 10% करी, 12% बहुत अच्छा रिलीफ है। पर उसमें अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम लगे हैं वो पुराने हैं, 30-40 साल पुराने हैं। क्या होता है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि कभी ट्रांसफार्मर गर्म हो गए, इनके जो ग्रिड स्टेशन है उनकी हालत चाहिए, उनकी मतलब कि वहाँ पर जो पुराने इक्विपमेंट लगे वो सारे चेंज हैं। उसके लिए डिप्टी CM साहब ने उनको बोला कि 100 करोड़ रुपया बड़ी बनने के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया एलोकेट किए हैं। हमने उनको ये सजेशन दिया है कि यहाँ पे बंच केबल डाल दीजिए। ओके। क्योंकि क्या है कि जब हवा चलती है तो पेड़ गिरते हैं, कुछ गिरते हैं, तो लाइट बंद हो जाती है, तो बंच केबल होगी तो बंच केबल से ये सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। डिप्टी CM साहब से हमने यही रिक्वेस्ट किया कि टाइम बाउंड क्लियरेंस आप कराइए ताकि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे हम उसको कंसर्न को आगे। अगर हम इसमें पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन में एक सबसे बड़ी हर्डल ये आ रही है कि एक तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल से बात करके हमारा जो है टाइम फ्रेम है फॉर रिन्यूअल को बढ़ा दिया है, ग्रीन कैटेगरी 8 साल कर दी गई है, ऑरेंज को 5 साल कर दिया गया है, और रेड को 3 साल कर दिया है। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनमें 5, 10 और 15 है, 5 रेड 10 ऑरेंज। तो ये सब आपके इनिशिएटिव से ही हुआ है? ये हमने उनसे बड़ा फॉलो किया है तो उससे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पर हम चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने 3, 5 और 8 किए हैं ना उसको 5, 10 और 15 करें ताकि यूनिट होल्डर को वहाँ पर
साइड पर खैर हम ये भी कहते हैं कि ठीक है डिपार्टमेंट मॉनिटर करें, तो बस पोल्यूशन मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है। और हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि जितना कम जितना उनका एक्सपेंडिचर उस पर आता है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वगैरह करें, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कई कई इंडस्ट्रीज की जो है डिवाइसेज काम ही नहीं कर रहे, बंद पड़े हैं, डिफेंस पड़े हैं, फिर वो भी करप्शन को फॉलो करते हैं। इसलिए वही दैट इज ऑल्सो बेसिकली कॉज ऑफ करप्शन, क्योंकि अब देखो ना कल को उसका बंद पड़ा, जब वो आएगा जब हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो पैसा आपने करप्शन दे रहे हैं आप अपने डिवाइस आप अपने डिवाइस का, उससे क्या हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। और एक इसमें हमारी कैटेगरी बहुत आती है जिसकी आपकी कि जो दरबार में होता है, अब ऑरेंज कैटेगरी की जो फाइल है वो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर के लेवल पे हो जाती है, बाकी में दिक्कत ऑरेंज सॉरी रेड सॉरी ग्रीन कैटेगरी हो जाती है। रेड और ऑरेंज के लिए जब दरबार यहाँ होता है मूव हो जाता है तो वायलेशन उसमें दिक्कत आ जाती है। उसमें अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे तो मेरा साल में छः महीने में तीन महीने तो बंद ही रहता होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी ग्रीन को यहाँ पे मिल जाती है और जो रेड को जो रिन्यूअल है, हम चाहते हैं एटलीस्ट ऑरेंज का रिन्यूअल जो है ना ओरिजिनल डायरेक्टर के लेवल पर हो जाए, तो लोगों को आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। हमने उनकी डिमांड रखी हुई है कि ऑरेंज को आप यहाँ पे ही कर दीजिए ताकि ये हमारे जो यूनिट होल्डर हैं इनको सिग्नल मिल जाए, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसके बारे में। तो ये GST का एक बहुत ही अहम और गर्म मुद्दा है क्रिकेट में, तो हमारे यहाँ पर स्टेट में मुझे लगता है कि 4% तक की रजिस्ट्रेशन है, जबकि बाकियों की स्टेट्स में 90+ रजिस्ट्रेशन पहुँच गई है। तो क्या हमारी स्टेट में GST जो है देर से लागू होगा? अभी ऐसा जी अभी हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हुआ सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट का, उन्होंने जो डाटा दिया उसको बड़ा शॉकिंग है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 4% जो है लोगों ने, इसमें 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, 4% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, वेरियस कर्नाटका आंध्र प्रदेश केरल देर प्लस 90 से 97% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसका मैं बताता हूँ आज लोगों के माइंड में एक जो सबसे बड़ा अनसर्टिनिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक GST एक्ट को अडॉप्ट नहीं किया, सेंटर ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अच्छा JNK सारी स्टेट कंट्री पर लागू हो गए, अगर आज हमारे स्टेट में ये लागू नहीं होता तो यहाँ पे सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा और उसका बर्डन किस पे आएगा, उसका बर्डन सीधा कंज्यूमर पर आएगा। हमारे नो डाउट हमारी बात चल रही है गवर्नमेंट ने, जबकि इस कमेटी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर द्रौपदी है फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ये जो पावरफुल GST कमेटी है फाइनेंस मिनिस्टर इज वन ऑफ दी एक जो इम्पोर्टेंट मेंबर है, पर आई डोंट नो रीजन क्या है स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही, बाकी स्टेट ने कर लिया। हम तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते कि एज अर्ली एज करिए, रिक्वेस्ट देखिए आज क्या है मई स्टार्ट हो गया, मई भी आज और 15 दिन में मई खत्म हो गया, जून का महीना रह गया, अप्रैल में लागू पहली जुलाई से लागू। तो जब तक ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आगे लोगों की सर्टेनिटी कहाँ से आएगी? अब इसका पता क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है कि आज सांबा में ब्लू स्टार को उन्होंने लैंड ली, IPC ने लैंड ली, कोका कोला ने लैंड ली, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे गए, काम स्टार्ट नहीं किया अभी तक, ब्लू स्टार ने काम स्टार्ट नहीं किया, दे आर वॉचिंग। वो उनसे जब बात की गई तो वो कहते हैं कि हमने तो देखना है कि अगर हमारे यहाँ पे आप पर यूनिट तभी लगेगा GST में बेनिफिट मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट तो एग्री किया है, जो हमारे को अपने सोच से पता की चला है कि वो कहते हैं कि हम इसका रिफंड देंगे स्टेट वाले, जो हम लोग जितना इंसेंटिव के रूप में रिफंड देंगे, जो हम कैश जमा कराएंगे उसका विद इन 7 डेज हमको रिफंड मिलेगा। यही चीज़ हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी इस पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई पॉलिसी लेके आए ना, हमारे नॉलेज में है, लोगों के नॉलेज में है, आज उन्होंने भी अब तक कुछ नहीं किया। एक दूसरा बॉटल ने क्या सेंटर का हमारा कि जो DIPP का पैकेज है वो भी अब तक एक्सपायर नहीं हुआ, 14 जून को पैकेज एक्सपायर हो उस पर भी कोई पॉलिसी, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं है। हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई है, नीति आयोग में हुई है, मेघवाल जी अर्जुन मेघवाल जी स्टेट में हमारा उनके पास सबने इंश्योरेंस तो दी है, पर खाली इंश्योरेंस से कुछ नहीं बनता जब तक हमारे हाथ में कोई उसका डाक। तो आने वाले टाइम में लग रहा है कि जो हमारे स्टेट का जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है वो जल्दी इंडस्ट्री वाले, मैं आपको बताता हूँ कि 2004 में जब पैकेज आया था, 2004 से लेकर 2008 तक हमारे यहाँ में इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा ग्रोथ आई। इवन हमारे लोगों का जो एनुअल रिफंड है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की वो 1200 करोड़ रुपये पर एनम तक पहुँचा था, पर 2008 में जब गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको डिलीट कर दिया।
कम हो के इंसेंटिव आज की डेट में वो 800 करोड़ रुपये आ गए। पर मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 80,000 करोड़ रुपया हमारे को आप दे रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्टेट को दिया आपने, तो अगर साल का 700-800 या 1,000-2,000 करोड़ अगर इंडस्ट्री को देते हो नहीं है, तो बहुत बड़ा इशू है। तो कोई उसमें मैं बताऊँ क्या है, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आज इंडस्ट्री की जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज एट पार विद द वर्ल्ड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नौकरियाँ नहीं, इंसेंटिव नहीं दोगे तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो वो 4 लाख लोग जो 5 लाख लोग जो काम कर रहे हैं उसमें क्या अट्रैक्ट इंट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है? कोई ट्रांसपोर्टर गाड़ियाँ चला रहा है, सभी जुड़े हैं। आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे सांबा कठुआ और बड़े बड़े देखिए दरियाल देखिए वहाँ देखिए उसके आसपास कितनी डेवलपमेंट होगी। कोई इंडस्ट्री को मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, तो ये सारे होटल्स बने हैं, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे रहने के लिए गेस्ट हाउस बने हैं। मेरी तो ये अप्लीकेशन है अगर इन्होंने GST में एक्सटेंड नहीं किया तो यहाँ इंडस्ट्री को सबसे बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि मैं तो उसका रीज़न क्या, आज देखिए आज हमारी स्टेट जो है हम जब बाहर से राफ्टर लाते हैं हमारे को 8-10% उस पर एडिशनल कॉस्ट पड़ती है। बिल्कुल, उसके बाद जब बाहर से मिला के बाहर भेजोगे फिर पड़ेगी। इधर से हमारी सहायक क्या थी, उधर से एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, मार्केटिंग नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मार्केटिंग कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है कि हमको कोई सब्सिडी दे कि यहाँ से आप माल आपको या इंसेंटिव दे जी आप दिल्ली तक ही दे दो, क्यों यहाँ से अपना माल बना के दिल्ली तक भेजते हैं जी, ठीक है आपको हम फ्रेट की रिइंबर्समेंट कर देते हैं। एक्सपोर्ट का अगर बात करें यहाँ हमारे यहाँ पर कोई इंडियन कंटिन्यूटी पोल नहीं है, कोई नहीं है, प्लानिंग भी कोई नहीं बनाने की। प्लानिंग है पर आई डोंट नो क्यों नहीं मटेरियलाइज हो रही है। हमारे यहाँ पे एक इंडियन कंटिन्यूटी को बना था बड़ी बंगलों में आज से कोई 8-10 साल पहले, उसमें क्या हुआ जी यहाँ पे बनात होती है उसको कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो अमृतसर से आता था, तो क्या इंडस्ट्रियल यूनिट वेट करेगा कि पहले वो कंटेनर बढ़ के रखेगा फिर एक्साइज वाले आएंगे उसको कस्टम वाले आएंगे क्लियर करेंगे, तो इतनी देर में तो कंटेनर बाय रोड इतनी देर में बॉम्बे पहुँच जाए पहुँचे, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो भी बिजनेस होता है सारा टाइम बंद होता है। अब यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट का जो है ये यहाँ पे लुधियाना भेज रहे हैं, लुधियाना ड्राई पोर्ट है। आप अगर कोरिलेट करें लुधियाना में हरियाणा में दिल्ली में यूपी में ऑल ओवर इंडिया में इनलैंड कंटिन्यूटी को बने हैं हमारे पास क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? अच्छा अगर आप देखिए एक बड़ा मेजर इशू है, हम पिछले 20-25 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कह रहे हैं कि आप हमारे को ये दो जी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को दो, लाइक रेल कोच फैक्ट्री, लाइक कोई फर्टिलाइजर प्लांट आ जाए। जब पीछे दिसंबर में अरविंद मेघवाल जी अलग आए थे उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि जी एक रेलवे की कोच रिपेयर फैक्ट्री यहाँ बनेगी, यहाँ बने हमने सेंटर ने अप्रूव कर दिया, इस बजट में अनाउंस होगा, कुछ नहीं है। जब हमने उनको अभी दिल्ली में पूछा क्या हुआ क्या स्टेटस है, नहीं जी वो अभी गुवाहाटी हमने रीजन क्या है को कुछ भी देने को तैयार नहीं है, कुछ देने को आई डोंट नो क्यों नहीं देते हैं। आप मेरे को बताइए कि कपूरथला में आपको पता है जब कपूरथला एक छोटा सा जलंधर से 15 किलोमीटर बीच के दूर है छोटा सा टाउन था, वहाँ जब रेल कोच फैक्ट्री आई आज आप देखिए कपूरथले के नक्शे ही बदल गए। तो हमको तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यहाँ स्टेट में इनको ये चीज़ पता है कि विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट इंसेंटिव अगर इंडस्ट्री नहीं चलाते हम कहते हैं कैश इंसेंटिव दो, वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दो, तो जो लगा रहा है। बिल्कुल, अरे एक और कोरिलेट इशू हो गया हुआ इसके साथ जो मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, आज 70 करोड़ रुपया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो 2015 से हमारे इंसेंटिव हैं DLPP के रुके हुए 70 करोड़ रुपये रुके हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जब बात की तो हमारे को 10-15 करोड़ रुपए खाली थी, अब 70 करोड़ में वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया। आज उन कई यूनिट ऐसे हैं जो इस टाइम NPE हो गई हैं, बैंक कहते हैं पैसे दो, उनका पैसा उधर फंसा पड़ा। आज सर खाद दे 70 करोड़ रुपए पे अगर आप एक साल का 7 करोड़ रुपये इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेट जो हमारे यूनिटर को देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? तो ये जो हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि सेंटर में आप तो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि JNK में एज ए स्पेशल स्टेटस अगर है
तो हम लोगों को कुछ दीजिए। जितने अहम मुद्दे आप बता रहे हैं तो ये क्या हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर और हमारे डिप्टी सीएम वगैरह सब इन्होंने सब टेकअप किए। इवन जी हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महबूबा जी ने भी इस मैटर को जो स्टेट का जो इंसेंटिव का मैटर सेंटर से टेकअप किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रही क्यों। आज मेरी बात नहीं, आज हम इतने साल हो गए 1990 से, आज हम 27-27 साल से हम लोग मिलिटेंसी झेल रहे हैं, और मिलिटेंसी का इफेक्ट किस पे है, हमारे जम्मू की डिस्ट्री में मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों का 70% जो मटेरियल है कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए जी, 2008 हो गया, फिर 2010 हो गया, फिर 2012 हो गया, 2014 में फ्लड आ गए, और 2016 में प्रॉब्लम पीछे खराब, और 2017 में भी हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो। तो क्यों नहीं इस पर ये देखा जाता कि अगर एक रीजन में शांति है, इंडस्ट्री यहाँ डेवलप, देखिए ऐसा है कश्मीर इज मेंट फॉर टूरिज्म, ले इज मेंट फॉर टूरिज्म, जम्मू इज मेंट फॉर इंडस्ट्री। तो अगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ इंडस्ट्री में हम कहते हैं आप रिमोट एरिया में दीजिए इंसेंटिव, जैसे डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह है बिलावल। आज क्या हो रहा है कि अर्बन एरियों में क्यों पॉपुलेशन की जो प्रेशर आ रहा है ऑल ओवर कंट्री में आ रहा है, रीज़न क्या है कि लोगों के पास रोजगार नहीं। आज अगर हम कोई छोटे छोटे यूनिट हमारे डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में लग जाते हैं, इधर बसोली बिलावल, तो लोग जिसको अपने घर में बैठे रोटी मिल जाएगी तो वो बाहर क्यों आए। तो हमारे तो यही स्टेट से भी सेंटर से भी ये है कि हमारे जो इश्यूज हैं उनको जैसे भी हो इमीजिएटली स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल सेशन बुलाना पड़े असेंबली का, बुला के जीएसटी का बिल इनको क्लियर करना चाहिए, जीएसटी का एक्ट क्लियर करें ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ जी, आज क्या हो रहा है जी, मेरे को हमारे यहाँ पे कुछ यूनिट लगे हैं साउथ के, बड़े बड़े यूनिट हैं पैसे लड़ के, मेरे को फिर उनका फ़ोन आ रहा है वहाँ से कि ये आपकी स्टेट ने जीएसटी डाउट कर लिया, मैं क्या जवाब दूँ, मैसेज क्लियर नहीं हुई। जब तक स्टेट अडॉप्ट ही नहीं करेगी कोई जीएसटी एक्ट, तो आप एक हाई लेवल मीटिंग बुला सकते हैं हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर से कह के, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह सभी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हो सकती है ताकि मैसेज साउंड एंड क्लियर हो। ये हमारी सबके ये सबके नॉलेज में, उस दिन डिप्टी सीएम साहब को भी हमने बोला कि उनको हमने ये बोला है कि जी आप जो है ये सेंटर से टेकअप कीजिए हमारा पैकेज का, पैकेज में जो पैसे लोगों के पैसे नहीं आ रहे ये जो पैकेज को एक्सटेंड कराइए जीएसटी को कराइए, तो उन्होंने एश्योरेंस दी है। अब आप देखिए ना, एक मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ इंडस्ट्री का, हमारे यहाँ पे क्या है ऑल ओवर कंट्री में कहीं कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है हमारे स्टेट में। एमएसएमई एक्ट कहता है कि आपका जो है चार आइटमें हैं जो नेगेटिव में, एक लिकर है, टबैको है, एक ये है आपका आर्म्स एंड एमुनिशन है, और ये जो ये कोल्ड ड्रिंक्स बना एज पर सेंट्रल एमएसएमई एक्ट, इन्होंने एमएसएमई एक्ट जब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑयल सीड क्रशिंग यूनिट जो यहाँ पे लगे उन वो अपनी कैपेसिटी के 25% भी नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि उनको इन्होंने यहाँ 5% टैक्स लगाया हुआ नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे को बताइए ना, आज नेगेटिव लिस्ट है एक यूनिट होल्डर जो उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सर्टिफाई कर रहा है कि ये एक स्मॉल स्केल यूनिट है या मीडियम स्केल यूनिट है, ऑयल शीट मंगवा रहा है, इनका प्ली था जी कि ये चोरी होती है चोर को पकड़ो, उसमें अपने अपने आप पैरामीटर लगाओ कि कैसे उनको पकड़ो। पर इसमें हमारी एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप हुआ, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा जी, उन्होंने इस पर क्या किया है इंडस्ट्री एडवाइजरी कमेटी मीटिंग जो लास्ट हुई है उसमें हमने ये पॉइंट लाया, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला भाई क्यों मेरे को जस्टिफिकेशन दो कि क्यों ये नेगेटिव है, क्यों क्यों इसको क्यों नेगेटिव में डाले जब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नेगेटिव में, कमर्शियल डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर ना अपना ये उनको ये गवर्नमेंट को इंटीमेट किया है कि हमारे ओपिनियन में अगर आप ऑयल शीड क्रशिंग यूनिट को नेगेटिव से निकाल देते हो तो उनको कोई प्रॉब्लम, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फाइनेंस डिपार्टमेंट और अपने ऑनरेबल द्रबू साहब जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते एटलीस्ट उससे क्या होगा, आज हमारे 100 यूनिट होंगे जो बंद पड़े, मैं कहता हूँ एक यूनिट में आपके 20 आदमी भी इम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे तो 2000 लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। तो ये अब देखिए
ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आज कोई यूनिट बाहर से आ रहा है, मैं नहीं कहता कि बड़े यूनिट ही आएंगे बाहर से, छोटे भी आए, स्वास्थ्य के लिए आए। एक मेरा बहुत जो अहम मुद्दा जो मैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंटर के भी नॉइजा करता हूँ कि एंसलराइजेशन जो है उन्होंने क्या करते, कई अभी तक हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ यूनिट क्या करते हैं, वेंडर वो यहाँ से मटेरियल लेते हैं, जबकि यहाँ पे जब इंडस्ट्री लगी है तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से लेते हैं, जबकि उनको यहाँ से लेके बेनिफिट क्या है तो टाइम कुछ उनका ऐसे फाउंडेशन करते हैं कि यहाँ से उनको उसके लिए क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंसलराइजेशन पॉलिसी है उसमें है कि जो भी यूनिट है वो 60% अपनी जो टोटल प्रोडक्शन का तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, यही है कि लोकल यूनिट को बेनिफिट देंगे। तो मेरी जो हमारे यहाँ बड़े लार्ज स्केल मीडियम स्केल यूनिट लगे हैं मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करिए और अभी कर रहे हैं। मैं बताऊँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा यूनिट है सरस्वती एग्रो केमिकल के नाम से है, मतलब उन्होंने तो लोकल वेंडर डेवलपमेंट में कार्डबोर्ड बॉक्सेज का मेरा 100% यहाँ से लिया। मैं उनकी इसलिए बंसल साहब जो उनकी वो इस तरफ वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली इंडस्ट्री है उसके लिए गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी ले कि एंथोलाइजेशन को जरूरी करें, वो जरूरी भी है। दलित जी आपने बहुत से मुद्दे जो हैं उठाए हुए हैं और इंडस्ट्रीज की भलाई के लिए आपने बहुत काम किया है यहाँ पे, जो कि आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है यहाँ पे, जैसे हमने सर्वे किया और देखा है यहाँ पे तो आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो जैसे FOI के आप एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? ऐसा जी मैं FOI का चेयरमैनशिप मैंने ली थी अप्रैल 2016 से, अप्रैल 2017 तक हमने गवर्नमेंट से जो जितने भी हमारे मुद्दे थे उसमें से काफ़ी मुद्दे, ये जो आपकी जो 24 आवर पावर सप्लाई है ये एक बड़ा अहम मुद्दा था। तो ये थे हमारे साथ बड़ी ब्रह्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन जी, जिन्होंने सारे सवालों के बहुत ही साफ दिल और साफ दिल से जवाब दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही धाकड़ और शक्तिशाली नेता बन के उभरेंगे ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं जो दिखते हैं वो इनको ख़त्म करें। धन्यवाद।